नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को दी बधाई, इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने की कोशिश। प्रदेश में 15 दिसंबर से खुलेंगे सभी उच्च शिक्षा संस्थान। कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने लगाई मोहर, कांग्रेस ने फैसले पर खड़े किए सवाल। उत्तराखंड में कोरोना के नाम पर कैदियों की मौत। पैरोल पर छोड़े गए 737 कैदियों में 100 कैदी फरार। समय सीमा खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे कैदी। उत्तराखंड के काशीपुर में खुला आम आदमी पार्टी का दफ्तर, इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। 2022 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क को केंद्र की मंजूरी। सिटकुल ने पार्क को विकसित करने के लिए शुरू की तैयारियां, प्रशासन ने भी कसी कमर। सोनप्रयाग में नहीं हुआ पार्किंग निर्माण का कार्य पूरा, वाहनों को पार्किंग करने में हो रही दिक्कतें। यात्रा सीजन में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर भर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और पर्यावरण की दृष्टि से यह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें संचालन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का भी प्रयास है कि वर्ष 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों को ओर लाया जाए। और इस अवसर में मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक गणेश जोशी और CEO स्मार्ट सिटी देहरादून आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। तो पोल्यूशन के कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल होगा इसका। दूसरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देहरादून में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोगों को दे पाएंगे, जिससे कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में आसानी होगी। जैसे चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें, कितना चार्ज एक बार में चार्ज करने एक बार चार्ज करने के बाद ये 150 किलोमीटर जो है ये बस आराम से चलेगी। इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहे और अधिक बने। इस दृष्टि से प्रदूषण कम से कम कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 28 दिसंबर से अपने दूसरे चरण के प्रवास की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रवास में मुख्यमंत्री उन 3 जनपदों में भ्रमण करेंगे जहां उनका दौरा बाकी रह गया था। दूसरे चरण के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रवास अभी जो टेंटेटिव जो बना है वो 28 दिसंबर को मैं अपने प्रवास के दूसरे चरण की शुरुआत करूंगा। 3 जनपदों में मेरा प्रवास रात्रि प्रवास नहीं हो पाया था, तो मेरी कोशिश होगी कि इस महीने में उसको पूरा करूं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर घातक हमले की प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, धर्म एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने और दंडित करने की मांग की है। सतपाल महाराज ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नड्डा जी के दौरे से TMC बौखलाई हुई, ममता को भी अपने पैरों को नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर जिस सुनियोजित तरीके से हमला हुआ उसे TMC की हताशा और बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। महाराज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इन दिनों बंगाल दौरे पर है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जिस प्रकार लापरवाही बढ़ती जा रही है वह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि TMC कार्यकर्ताओं का भाजपा के काफिले पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया गया है, जिसमें BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हो गए, जबकि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा इस हमले में बाल बाल बचे हैं। महाराज ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में TMC गुंडों ने इस कायराना हरकत की वजह से कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं कि वहां हिंसा हो रही है और माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर जो हमला हुआ है ये बहुत ही दुखद है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। वहाँ पर विजयवर्गीय जी हताहत हुए हैं,
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है और इसी हमले की पार्टी की ओर से निंदा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक घनश्याम दास ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान घनश्याम दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार की ओर से लोगों को उकसाया जा रहा है और इसका जवाब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ हुआ और जो घटित हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती। काशीपुर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद वो भीमताल के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार सुबह 10:30 बजे कैंची धाम के दर्शन करेंगे, जिसके बाद ठीक 4 बजे हल्द्वानी से आम जनता और पत्रकारों से वार्ता करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड भी सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें कि राज्य में जनवरी 2021 में पहले चरण पर 20% लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को रखने के लिए सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हिल्स में देखिए बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, तो ये फर्स्ट फेज हमारा पूरा हो गया। सेकंड, इसके बाद हमारा जो वैक्सीनेशन चेन्स है, जिसके लिए हमारे जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हैं या जो अन्य प्रकार की चीजें होती है, उसका एक डिटेल एक गैप एनालिसिस करना था। वो गैप एनालिसिस करके भारत सरकार से हमने जो फर्दर हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, उसका डिमांड भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जूना अखाड़े के हिमालयन योगी और पिथौरागढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने महाकुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से भेंट की और महाकुंभ की तैयारियों पर गहन चर्चा की। इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत के द्वारा हरिद्वार महाकुंभ युद्ध स्तर पर की जा रही है, जिस पर विवेकानंद महाराज जी ने खुशी जताई और जूना अखाड़े के पूर्ण सहयोग करने की बात कही। बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने पिछले एक माह से हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार महामारी से बचने के लिए सरकार हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। वहीं कोविड 19 के चलते उत्तराखंड के जेलों में 737 कैदियों को भी पैरोल पर छोड़ा गया था, जिनमें अभी भी 100 से ज़्यादा कैदी नहीं लौट पाए, जिसके समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई कैदी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद भी कैदियों का कुछ अता पता नहीं। वहीं अब इस पूरे मामले पर IG जेल ने बताया है कि जल्द इन कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पुनः जिला जेलों में भेजा जाएगा। के तीनों करीब 737 के आसपास कैदी जो थे वो परोल पे गए थे, उसमें से करीब 100 के आसपास अभी वापस उन्होंने वापसी नहीं करी है। इस संबंध में जितने भी जिला सुपरिटेंडेंट हैं कारागार विभाग के और जो जिला में पुलिस अधीक्षक है हमारे जनपदों में, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको अरेस्ट करके उनको कारागार में। बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर देहरादून में महानगर युवा मोर्चा ने ममता सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशु चावला का कहना है कि ममता सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ममता सरकार पूरी तरह से बौखला गई। देखिए, जिस प्रकार से कल पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जाती है, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस प्रकार से ईंट पत्थरों से उनके काफिले के ऊपर हमला किया जाता है, निश्चित तौर पर आज पूरा देश उसकी भर्त्सना कर रहा है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ की जनता को एक गुमराह किया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि वहाँ की ममता सरकार इस वक्त बहुत परेशान है। प्रदेश में आगामी 15 दिसंबर से सभी उच्च शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने सभी कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल निशान खड़े किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल साबित हुई। उनका कहना है कि अगर सरकार कॉलेजों को खोलती है तो उसके लिए पहले पूरी व्यवस्था बनाई जाए, जिसपे कॉलेजों के संक्रमण का खतरा पैदा ना हो सके। आज सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है, उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षा। खबर सितारगंज से है, जहां सेंट्रल जेल ऑफ संपूर्णानंद सेवर यानी खुली जेल कैदी की झोपड़ी में हत्या का मामला सामने आया है। कैदी के सिर पर गंभीर चोट के निशान है। बता दें कि पिथौरागढ़ के गांव के रावलपट्टी का 45 वर्षीय जीवन सिंह हत्या के मामले में दोष सिद्ध कैदी था और गुरुवार की शाम जीवन सिंह की झोपड़ी में घायल अवस्था में मिला है। तत्काल उसे अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उप निरीक्षक सुंदर सिंह ने प्राथमिक जाँच में हत्या का अंदेशा बताया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।
हमारे पास कल इमरजेंसी में एक पेशेंट को लाया गया था जिसका नाम जीवन है और इसे मृत अवस्था में लाया गया था सेंट्रल जेल से अपना सिडगुल से और हमने फिर पुलिस को सूचना दी और पोस्टमार्टम के लिए आज बॉडी को खटीमा भेजा गया है। एलन डोभाल ने पहले कर्तव्य क्षेत्र के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फेंसिंग वायर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी। रेंजर के प्रयास से क्षेत्र में ग्रामीणों में खुशी है तो वह खबर डोईवाला से है जहां जंगली जानवरों के साथ ही हाथियों और गुलदार के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को भी बचाने के लिए थानों वन रेंज रेंजर एलन डोभाल ने पहले करते हुए क्षेत्र के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग लगाकर ग्रामीणों को राहत दी। रेंजर के इस प्रयास से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी है तो वहीं ग्रामीण ने रेंजर के प्रयास की सराहना की है। बता दें कि क्षेत्र के रामनगर डांडा और कालूवाला और कोडियाल में थानों में जौली आदि तमाम गाँव में जंगल में सोलर फेंसिंग के वायर लगाए गए। इनके अंदर अभी 12-13 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का कार्य किया है तो ग्रामीणों को इसको इससे काफी फायदा हुआ है। तब से ग्रामीणों या खेतों में कहीं हाथी की कोई शिकायत नहीं। कहाँ कहाँ हुई ये रामनगर कुड़ियाल भोपालपानी आदि कई क्षेत्रों में हमने सोलर फेंसिंग का काम किया है। देखो जब से सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है खेतों में हाथी नहीं जा रहे हैं। जंगलों में तो स्वाभाविक है हाथी का क्षेत्र है तो जंगलों में तो रहना ही है लेकिन खेतों में या किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमारे पास अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए जैसे खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर। कमला बसंत, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के खानपुर रेंज के अंतर्गत कुड़कावाला गांव में जंगलों में 4 12 सिंहों के शव मिले हैं, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों का तांता लग गया। इसकी सूचना किसी ने वन विभाग को दी, जिसके बाद आनन-फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी जाँच शुरू कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। रुड़की के खानपुर रेंज अंतर्गत कुड़कावाला गांव के जंगलों में 4 12 सिंहों के शव मिले, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों का तांता लग गया। इसकी सूचना किसी ने वन विभाग को दी, जिसके बाद आनन-फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आखिर सवाल उठता है कि एक ही स्थान पर 4 4 12 सिंहों की मौत कैसे हो सकती है। इस घटना से वन विभाग के कर्मचारियों पर सवालिया निशान खड़ा होना तय है। विभागीय अधिकारी करंट लगने को लेकर भी सांभरों की मौत होने का दावा कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है, अगर पेड़ों की हरी शाखाएं तारों से टकरा रही हैं, तो उन्हें वक्त से पहले क्यों नहीं काटा गया, जो खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं कुछ लोगों का दबी जुबान में यह भी कहना है कि कुछ किसान अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिजली के तार लगा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पिछले दिनों कई किसानों पर वन विभाग ने जुर्माना भी किया था, जिससे बचने के लिए अब खेतों में दूर जंगलों में ही बिजली के तार लगा देते हैं, ताकि किसानों पर जुर्माना भी ना हो और फसल भी बच जाए। फिलहाल सांभरों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है, जिससे स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर एक साथ 4 सांभर कैसे मर गए। गहनता से यदि जांच की जाए तो आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। रुड़की से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड की खटीमा से है, जहां नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले खटीमा पुलिस ने 4.5 किलो चरस के साथ 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसी अभियान के चलते पुलिस ने रोडवेज के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके पास से 1.5 किलो 350 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूछताछ में चरस तस्कर ने बताया कि वह नेपाल से यह चरस बेचने के लिए खटीमा लाया था। आरोपी युवक के खिलाफ NDPCI के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खटीमा पुलिस द्वारा जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास, जिसने अपना नाम पता इस्लामुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर का होना बताया, उसके पास से करीब 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई और उसके खिलाफ जो है NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद तराई के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों में तराई के क्षेत्रों में कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है और अलाव के सहारे ले रही है, लेकिन नगर निगम रुद्रपुर अपने खोखले दावे पेश कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब तराई क्षेत्र में भी पड़ने लगा है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 2 दिनों से कोहरे की चादर चढ़ी हुई है। कोहरे के कारण सड़कों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे के कारण हवाई सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। अत्यधिक कोहरे के कारण पंतनगर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी ना होने से देहरादून पंतनगर फ्लाइट को रद्द करना पड़ रहा है। इसके अलावा रुद्रपुर शहर में भी बढ़ती ठंड से बस अड्डे टेम्पो स्टैंड में भी राहगीर ठंड से ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों के किनारे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इन सब के बीच ठंड से ठिठुरन से लोगों को राहत देने वाला नगर निगम सिर्फ दावे ही कर रहा है। रुद्रपुर नगर निगम आयुक्त रिंकू बिस्ट ने बताया कि ठंड से राहगीरों को बचाने के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी शहर में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा फुटपाथ में रात गुजारने वाले लोगों को गर्म कपड़े वितरित करने की तैयारी भी की जा रही है। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट।
सितारगंज में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर आम नागरिकों ने अपने अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी किया। वहीं कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सैयद सिराज अहमद व राष्ट्रीय संगठन सचिव मौलाना मेराज अहमद की देखरेख में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। आज हम लोग मानवाधिकार का दिवस में सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए, उपस्थित हुए और यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये था कि आज कुछ लोग मानवाधिकार में जुड़े हैं और ये बहुत, मैंने अभी पहले भी बताया कि तकरीबन 72 साल से ही अपना काम कर रहा है, निःशुल्क कर रहा है और जितने लोग इसमें पद में जुड़े हुए हैं पहले से, वो किसी तरह की दलाली नहीं बल्कि निःशुल्क काम करते हैं। मैं यहाँ का, मुझे जब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का नियुक्त किया और उसके बाद जब लोग यहाँ जुड़े तो काफ़ी तादाद में जिला स्तर पर जुड़े, आज भी यहाँ पर तकरीबन काफ़ी लोगों को नियुक्ति मैंने की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।